हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जी दास परमजीत सिंह अकाली सेवादार सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब जी। मेरे नाल भाई प्रदीप सिंह जी ने जो पांच मेंबरी कमेटी के सेवादार ने सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब दे। आप जी जानते हो कि हर साल 6 जून सारी ही कौम बड़ी श्रद्धा के नाल अपने शहीदों श्रद्धा के फुल भेट करती है, याद करती है वख वख तरीकों के नाल। पर समय दियां सरकारां दे वल्लों हर वार जिहड़ा वो जालमाना वरतीरा जिहड़ा वो किया जाता, उन्हां दे वल्लों ये महसूस कराया जाता कि तुसीं गुलाम हो ते गुलामी का एहसास कराया जाता। कल रात भी उन्हां दे वल्लों सारे लुधियाणे दे जिन्ने सिंह सी जिन्ने भी मुख सेवादार ने उन्हां दे घरां दे अगे पुलिसां बिठा दित्तियां जांदियां ने। दास नूं खुद 7 बजे तों लै के सवेरे 9 बजे तक हाउस अरैसट किया जाता। कारण कोई दसदे नहीं है कि साडे सीनियर अफसरां दा हुक्म है जी, ते असीं तुहानूं दरबार साहब नहीं जान दे सकते। लॉ एंड आर्डर रखना जरूरी है। तो बड़ी गल समझ तो बाहर आ कि लॉ एंड आर्डर असं बिगाड़ते हैं, किहड़ा जिहा असीं काम करते हैं जिहदे नाल सरकारां नूं खतरा हो जाता, खतरा पैदा हो जाता। ईवन जिहड़े लोग लॉ एंड आर्डर बिगाड़ते हैं, जिहड़े इन्हां दिनां साडे शहीदां दे पोस्टर लाड़दे ने, पुतले फूकण दीआं गल्लां करदे ने, खालिस्तान के खिलाफ भंडी प्रचार करते हैं, शहीदां के खिलाफ करता दे, उन्होंने तुसीं सिक्योरिटियां दिंदे हो, उन्होंने तुसीं गनमैन दित्ते हुए ने, ते जिहड़े अपने सिधांतां की गल करते हैं, अपनी मर्यादा की शहीदां की गल करते हैं, उन्होंने घरां 'च नज़रबंद करके ते महसूस कराने कि तुसीं दूजे दर्जे दे शहरी। काफ़ी वीडियो ते फोटोआं तुहाडीआं रात दीआं वायरल हो रहीं, पुछ लो तुहानूं घरां 'च नज़रबंद कीता जा रहा, इस संबंधी की कहना? बिल्कुल, रात मैं तुहानूं दस्सिआ वी 7 बजे के करीब पुलिस जिहड़ी वड्डी गिणती 'च मेरे घर आउंदी आ, उन्होंने वालों मैंने कहा जाता कि तुम घरों बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें हाउस अरैसट कर रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं। कारण पूछने पर कारण कोई दसिया नहीं जाता, बस ही सानू साडे सीनियर अफसरों तो हुक्म आ, असीं तां ड्यूटी बजा रहे हैं जी। सो ये भी दसी है तुम्हें भी जिहड़े सानू उत्थे नज़रबंद करन आए ने, वो शराबी हालत में सन, वर्दियों के विच सन, ऑन ड्यूटी सन, शराबा पीती हुई सन उन्होंने लोगों ने, वो सानू किहड़ियां सिक्योरिटियां दे रहे थे, सानू समझो बाहर आ। इस तरह ही भाई प्रदीप सिंह उन्होंने भी उत्थे लुधियाने दे विच उन्होंने इस तरह हाउस अरैसट रखे। कदों कदों तुहानू फिर उन्होंने छड्डिया? तकरीबन सवेरे 9 बजे जिहड़ा जी उन्होंने अपने उच्च अफसरां नाल गल करन तों बाद, वो भी ये कह के कि तुसीं अकाल तख्त साहिब मत्था टेकण नहीं जाणा, मैं कहा असीं मेहता साहिब जाणा वा, ते इस तों बाद फिर मैनूं आउण। प्रदीप सिंह लुधियाणे, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੂਜ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਪੀ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ।